हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये शो है स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर फार्मा केमिकल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज। जनरली क्या होता है, टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, हम अपने एकेडमिक क्लासेस से जैसे जैसे हमारा टाइम दूर होता जाता है, हम क्या होते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, इन सबको जिसको तो हम हैंडल करते हैं, जिस रिएक्शन को लगाते हैं वो तो हमें याद होते हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे हमें भूलने लगती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर हफ्ते एक नया वीडियो एक नए टॉपिक पर। फिलहाल हम लगभग 1 से 1.5 महीने एक सीरीज लेकर चलेंगे, जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को बेसिक टू एडवांस बहुत ही अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की कहानी, इन सारी चीजों को बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री एम्प्लॉय। नेचर में ढेर सारी चीजें आपने ऐसा देखा होगा, नेचर स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। जैसे अमीनो एसिड जनरली क्या होता है, जनरली एल फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसी प्रकार से आप शुगर की बात करें, तो ज्यादातर जो शुगर होते हैं वे किस फॉर्म में, डी फॉर्म में होते हैं। ये कुछ चीजें होती है नेचर की विशेषता होती है, वो स्पेसिफिक चीजें बनाती है हमारे बॉडी के लिए। क्या होता है, एक स्पेसिफिक ही प्रकार के RAS में से दोनों में से कोई एक आइसोमर से ज्यादा एसेप्टेबल होता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज का हमारा एपिसोड शुरू होता है। अब सबसे पहले आपके मन में एक सवाल तो जरूर होता होगा कि व्हाई वी नीड स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर एपीआई एंड ड्रग। ड्रग और एपीआई के लिए इसकी क्या जरूरत है। अगर हम इसकी बात करें तो आप जैसा कि जानते होंगे, जैसे कोई भी मानो फॉर्म ए आपका एपीआई, बहुत मैं सिंपल मालिक्यूल से यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पर अगर हम एक जनरल मान लो ये एपीआई कोई है, दो इसके दो आइसोमर्स हो सकते हैं, RS करके इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। एपीआई इसमें से एक ही, दोनों में से अगर हम ए और बी करें तो दोनों में से कोई एक हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल होता है और हमारे बॉडी के लिए बिहेव एज ए ड्रग होता है, दूसरे का हमारे बॉडी के लिए कोई रोल नहीं होता, या कभी कभी टॉक्सिक रोल होता है, टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें समझना और एक कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा नीडेड है, जो हमारा डिजायर्ड है आइसोमेरिज्म, उस डिजायर्ड आइसोमेरिज्म को ही हमें बनाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब फिर से एक चीज होगा कि आखिर इसकी ओरिजिन की शुरुआत कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या है। इसकी ओरिजिन की शुरुआत हमारे दो सेंसर से होती है, कौन कौन से, एक नाक नोज और दूसरा जीभ आपका टंग होता है। नोज में ढेर सारे केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल बाइंडर होते हैं, स्पेसिफिक इसमें कायरल सेंटर्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, स्पेसिफिक स्मेल के लिए अलग अलग तरीके से उसको सेंस कर सकता है। वैसे ही हमारे जो टंग होते हैं, इसमें भी एक कायरल सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल ऑक्सिलरी होती है, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेंसर, अलग अलग बॉडी के इसके डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं जो सेंस करते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के सेंस कैसे करें, उसको डिटेक्ट कैसे करें, उसको कैसे समझें। इनको जैसे अलग अलग प्रकार के टेस्ट, अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कंफिग्रेशन होता है उनका, अलग अलग टेस्ट होता है, और हमारा टंग उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको अलग अलग पहचान सकता है। वैसे हमारा नोज भी अलग अलग प्रकार के स्टीरियो केमिकल्स मॉइटी है, अलग अलग तरीके से उनका स्मेल्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे नोज सेंसर के साथ वो अच्छे से बाइंडिंग होकर अलग अलग प्रकार के डाइस्टीरियोमर्स बनाते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना होगा, कायरलिटी या स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं। यानी कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं, ए बी डी और ई, चार अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं, इसको हम एक कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं, स्टीरियो सेंटर्स के लिए वो कायरल सेंटर हो या ना हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन स्टीरियो सेंटर्स कायरल, इसका मतलब नहीं, स्टीरियो सेंटर्स के लिए अगर कायरल मॉलिक्यूल्स के साथ साथ अगर अनसैचुरेशन मल्टीपल पाउंड होते हैं, वो स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम सिस ट्रांस की बात करते हैं, या स्टीरियो सेंटर्स अगर वैसे कार्बन मॉलिक्यूल्स में है, तो ये दोनों कंडीशंस होते हैं। लेकिन कायरलिटी का
कंफर्मेशन स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, दो वर्ड होते हैं जिनमें डिस्टिंक्शन करना, डिस्टिंग्विश होना बहुत जरूरी है, कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आपने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन सुना है, कंफर्मेशन में आपने कंफर्मेशन के बारे में भी सुना है कि कंफ्यूगेशन में एक एनर्जी बैरियर होती है 60 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी बैरियर के बेस पर उसको रोटेट करके, जैसे आपने इस प्रकार के ऐसा आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, आपने इस प्रकार से ये भी देखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं कंफर्मेशन। मैंने 60 किलो जूल एनर्जी पर मोल को देने के बाद क्या होता है, उनको उनको रोटेट किया जा सकता है। रोटेशन से जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको कन्फर्मेशन कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, उनको रोटेट करके हम नहीं एक दूसरे के बराबर बना सकते हैं, ठीक है, उनको तोड़ के ही, उनको बॉन्ड ब्रेक करके ही बनाया जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। आरएस आपने नाम सुना होगा, ईजेड होता है, सिस ट्रांस होता है, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, वे एक दो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। वे नॉन मिरर इमेज, दो या दो से अधिक जो स्टीरियोमर्स होते हैं, जो आइसोमर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। जैसे सिस ट्रांस हो गया, सिस ट्रांस एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। ऐसे ही डायस्टेरोमर्स के लिए एक और कंडीशन होती है, अगर एक से अधिक काइरल सेंटर है, एक से अधिक काइरल सेंटर है, ठीक है, अगर उसपे एक से अधिक काइरल सेंटर पर, एक से अधिक काइरल सेंटर पर अगर नया काइरलिटी जनरेट होता है तो वहां पर डायस्टेरोमर्स बनता है। हम एक बेसिक प्रॉपर्टीज के बताते हैं, फिर जनरल प्रॉपर्टी। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। दूसरा, इनके केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रिस्टलाइजेशन आता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा और क्या आता है, आर ए फैक्टर एटीएलसी के लिए होता है, रिटेंशन टाइम भी अलग अलग होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं डायस्टीरियोमर्स के लिए अलग होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में इनके केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं, दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शन देंगे, सिस केमिकल रिएक्शन देगा, ट्रांस नहीं देगा, या ट्रांस देगा, सिस नहीं देगा, एक डायस्टीरियोमर्स देगा, दूसरा नहीं देगा, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। इनेंसियोमर्स की अगर बात करें तो इनेंसियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इनके लिए क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इनेंसियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, मिरर इमेज होते हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे इनकी क्या होती है प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तब तक सेम होती है जब तक नॉन कॉयरल कंडीशन होती है, नॉन कॉयरल एटमॉस्फेयर तक इसके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जैसे ही कायरल एटमॉस्फेयर आता है इनके केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाते हैं, इनके केमिकल रिएक्शन ये अलग अलग तरीके से देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। हम अगला वीडियो अगली क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम डिटेल से इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कोई आपके सवाल होंगे, कोई आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या आप हमसे लाइव पूछ भी सकते हो।